हाई कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच में हुई गैंगस्टर मामले की सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी भी आरोप है। मुख्तार के साले और पत्नी पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा दोनों साले अनवर और शर्जील के नाम FCI गोदाम था। इसमें विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म बनाकर यह तीनों हिस्सेदार थे। जिला प्रशासन ने बताया था कि गोदाम को अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया था, साथ ही गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। जमानत नहीं कराने पर तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दोनों सालों ने सितंबर 2022 में गाजीपुर न्यायालय सरेंडर कर दिया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। शर्जील राजा को मुंह का कैंसर है, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। कोलकाता और मुंबई से इलाज चल रहा है। बीते साल अगस्त में शासन ने मुख्तार की पत्नी और साले शर्जील की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 2,18,00,000 रुपए कीमत दो भवनों को कुर्क किया गया था। सैयद बाड़ा स्थित आवासीय भवन लागत 1,18,00,000 और गोमती नगर लखनऊ स्थित आवासीय फ्लैट अनुमानित लागत 1,00,00,000 की कुर्की हुई थी। बीते साल पत्नी के नाम खरीदी गई 31,00,000 रुपए की ऑडी कार को भी जब्त किया गया था। कई मामलों में आरोपी मुख्तार का बेटा अब्बास फरार चल रहा है। शस्त्र लाइसेंस के मामले में MP MLA कोर्ट ने अब्बास की प्रॉपर्टी सीज करके आदेश जारी किए हैं। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। अब्बास इस समय मऊ विधानसभा सीट से विधायक है।